लोटस स्टेम फ्लेम सलाद बनाने के लिए हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, आइए देखते हैं। 2 कप कमल काकड़ी, 12 से 15 पीसेस चेरी टमाटोज, 100 ग्राम बेबी कॉर्न, 1-1 कप येलो और ग्रीन जुकीनी, 1-1 कप लाल पीली शिमला मिर्च, 1/2 चम्मच काली मिरी पाउडर, 1 कप बॉइल्ड ब्रोकोली, 4 चम्मच सॉल्टेड बटर, 4 चम्मच वोडका, 1 चीज़ स्लाइस, ब्लैक ऑलिव्स ले गार्निश के लिए। दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको डिश में फ्लेम कैसे देते हैं इसकी टेक्निक नहीं पता है तो प्लीज इस रेसिपी को बिना वोडका के बनाएं। सारी एक्सोटिक वेजिटेबल्स ले और उसे अच्छी तरह पानी में वॉश कर ले। अब येलो और ग्रीन जुकीनी को काट ले। अब बॉइल्ड लोटस स्टेम को राउंड शेप में काट ले। इसके बाद लाल पीली शिमला मिर्च को काट ले। अब बेबी कॉर्न को काटे। आज जो हम डिश बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें वेजिटेबल्स बड़े बड़े ही चाहिए, तो काटते वक्त वेजिटेबल्स को बड़ा ही कट करना। अब फ्राइंग पैन ले और उसमें 2 चम्मच वोडका ऐड कीजिए, उसके बाद उसमें फ्लेम लगाए। उसके बाद 4 चम्मच बटर ऐड करें। अब 2 कप बॉइल्ड लोटस स्टेम पैन में ऐड कर दें। अब 3 से 4 मिनट के लिए बटर में स्टेम को अच्छी तरह फ्राई कर ले। उसके बाद बेल पेपर बेबी कॉर्न पैन में ऐड करें और अच्छी तरह स्टर कर लें। वेजिटेबल्स को कुक करते टाइम ध्यान रखें कि गैस की आंच धीमी हो। अब बॉइल्ड ब्रोकोली ऐड करें। दोस्तों, रेसिपी से जुड़े कोई भी सवाल अगर आपको पूछने हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, या फिर आप मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर। अब कटी हुई येलो ग्रीन जुकीनी ऐड करें पैन में। अब 12 से 15 पीसेस चेरी टमाटोज ऐड करें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी सारी नई रेसिपीज की अपडेट्स मिलती रहे। अब 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर ऐड कीजिए डिश में। मैंने वापस से 2 चम्मच वोडका ऐड किया है। मैं ये डिश हमेशा अपने घर में बनाती रहती हूँ तो मुझे पता है कि फ्लेम कैसे देते हैं उसकी टेक्निक पता है। अगर आप ये रेसिपी अपने घर में बनाएं फ्लेम के साथ तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब सलाद को सर्विंग प्लेट में निकालें और गार्निश करें कुछ ऑलिव स्लाइसेस से। अब ऊपर से चीज स्लाइस रखिए और सलाद को सर्व करें।
है।